हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे शरबत प्रीमिक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे पाइनएप्पल शरबत प्रीमिक्स। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ग्लूकॉन डी। बिना फ्लेवर वाला ग्लूकोज पाउडर चाहिए हमें। वन एट्थ टीस्पून हम डालेंगे सिट्रिक एसिड पाउडर। एक पिंच हम डालेंगे नमक। हम डालेंगे पाइनएप्पल इमल्शन। इमल्शन में कलर एंड असेंस दोनों पहले से ही मिले हुए होते हैं। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो आप असेंस एंड कलर दोनों मिला के डाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा पाइनएप्पल शरबत का प्रीमिक्स बन गया है। इसे हम एक आप किसी भी जार में या कटोरी में निकाल लीजिए। अब हम बनाएंगे ऑरेंज शरबत प्रीमिक्स। उसके लिए लिया है आधा कप चीनी। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे ग्लूकोज पाउडर। एक पिंच हम डालेंगे सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे सिट्रिक एसिड पाउडर। इसमें डालेंगे ऑरेंज इमल्शन। हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें एकदम से ग्राइंड नहीं करना है, हमें पल्स पे इसे ग्राइंड करना है। रुक रुक के अपनी मिक्सी चलानी है। हमारा ऑरेंज शरबत प्रीमिक्स भी बन गया है। इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे सब बच्चों का फेवरेट काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स। उसके लिए हम लेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड पाउडर। इसमें हम डाल देंगे काला नमक 1/2 चम्मच। थोड़ा सा हम डालेंगे भुना जीरा 1/2 चम्मच। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे ग्लूकोज पाउडर। और ये हमारा काला खट्टा इमल्शन। हम थोड़ा सा इमल्शन डालेंगे 1 चम्मच। इसे हम पल्स पे पीस लेंगे। काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स भी बनके तैयार है। इसे भी हम कटोरी में निकाल लेंगे। तीनों तरह के शरबत प्रीमिक्स बनके तैयार हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज, काला खट्टा। अब हम इनसे बनाएंगे शरबत। इसके लिए हम डाल लेंगे ग्लास में बर्फ के टुकड़े। मैं ये छोटे ग्लास में बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1-1 चम्मच अपना प्रीमिक्स का। अगर बड़ा ग्लास है नॉर्मल साइज़ का 250 या 300 ml का तो हम 2 चम्मच डालेंगे। मैंने ये छोटे ग्लास लिए हैं और इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। कलर अगर आपको लाइट लगे तो आप थोड़ा सा कलर या इमल्शन ज़्यादा डाल सकते हो, और पाउडर भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो।